हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। ये जो लॉ है वो ये स्टेट करता है, अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, अब ये कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेट से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, तो जब हम किसी एक एलिमेंट का इनमें से उसका कांस्टेंट मास अगर लेते हैं, तो बाकी के जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास में जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। कैसे, देखो समझते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकाल रहे हैं एंड CO2 का कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो 12:16 ये आ रहा है, और इसके लिए यहाँ पे बात करें तो ये 12:32 ये वैल्यू बन के आ रही है, आया ना। अब अगर आप नोटिस करो कि कार्बन का अमाउंट क्या रह रहा है, यहाँ पे सेम रह रहा है, तो अगर कार्बन का अमाउंट सेम रह रहा है तो हम लोग ऑक्सीजन इन CO2 अपॉन ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर रेशियो निकालें तो क्या आ रहा है, 32:16। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2, और 2 इज अ सिंपल स्मॉल होल नंबर। तो यही ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें बता रहा है। इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जिसमें वो एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उनके बीच में जो वेट आ रहा है एक एलिमेंट का उसको फिक्स रख रहे हैं, तो जो अदर एलिमेंट होगा उसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे मास का, तो स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। I hope you like the video. If you do so, so please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification. And for more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorials. Thank you.